नमस्कार, मैं हूँ रीनू कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल सी के साथ। अब वक्त है दिल्ली की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, दिल्ली राउज रेवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी है। बता दें, आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत दे दी है। इस मामले में गिरफ्तार केजरीवाल दूसरे राजनेता है जिन्हें जमानत मिली है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सांसद संजय सिंह को जमानत दी थी। सीएम केजरीवाल की रिहाई आज हो सकती है। अवकाश न्यायाधीश न्याय बिंदु ने केजरीवाल और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की दो दिनों तक सुनवाई के बाद ये आदेश पारित किया है। इससे पहले उन्होंने दिन में दोनों पक्ष के तर्क सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। उन्होंने कल ही स्पष्ट किया था कि वह बहस पूरी होने के बाद तुरंत ही फैसला देगी, क्योंकि ये मामला हाई प्रोफाइल है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, बढ़ते धूम्रपान की आदत, मोटापा, उच्च रक्तचाप की समस्या से युवा किडनी कैंसर का शिकार हो रहे हैं। वहीं मेट्रो शहर में बढ़ते प्रदूषण के कारण ये समस्या और विकराल हो गई है। इस पर विशेषज्ञ ने बताते हुए जानकारी दी है कि 10 साल पहले तक दिल्ली के अस्पतालों में आने वाले 90% से अधिक मरीज 60 साल से ऊपर की आयु के होते थे। समय के साथ साथ लोगों की जीवन शैली खराब हुई है, साथ ही धूम्रपान को आदत में शुमार किया गया है। इस सभी कारणों के कारण अब अस्पताल में आ रहे 40% से अधिक मरीज 40 से 50 साल के हैं, जबकि 10 साल पहले यह आंकड़ा 10% से कम था। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, DUPG दाखिला प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे छात्र छात्राओं के लिए बड़ी अपडेट है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने डिग्री कॉलेज में संचालित होने वाले तमाम साल दाखिले के लिए आयोजित किए जाने वाली प्रक्रिया का कार्यक्रम जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय द्वारा बृहस्पतिवार 20 जून को जारी शेड्यूल के मुताबिक PG कोर्सेज की सीटों के आवंटन के लिए कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया शनिवार 22 जून की शाम 5 बजे से शुरू होगी। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, भारत के साथ विश्व के कई देशों में हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग केवल शारीरिक तौर पर नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और उसके विकास के लिए जरूरी है। इसी को देखते हुए आज राजधानी दिल्ली समेत पूरे NCR में योग दिवस मनाया जा रहा है। देश के स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली के सांसदों समेत अन्य मंत्री, विधायक जगह जगह योग कर रहे हैं। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, प्रचंड गर्मी की मार झेल रहे दिल्ली NCR में अब मौसम का मिजाज बदला हुआ है। शुक्रवार को सुबह से ही ठंडी हवा चल रही है और आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान ने आज बारिश की संभावना जताई है, लेकिन इसके दो दिन बाद फिर से दिल्ली को प्रचंड गर्मी और लू से जूझना पड़ेगा। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार।